नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। रविशा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सभी जानते हैं कि अयोध्या का प्रकरण, मंदिर मस्जिद का काफ़ी लंबे अरसे से एक प्रकरण चल रहा था, जहां पर सभी की सांसें थमी थी कि विवादित ढांचा मंदिर और मस्जिद के बीच। आपको बता दें कि काफ़ी लोग जब फैसला कोर्ट के पास सुरक्षित था तो लोगों की काफ़ी धड़कनें तेज थीं और अपनी चाक चौबंद करने के लिए सरकार ने काफ़ी अपनी व्यवस्था में चौकसी में लगी हुई थी। और वहीं पर जब फैसला आना था तो काफ़ी लोग चाय और पान की दुकानों पर सुगबुगाहट के तौर पर गुपचुप तरीके से चर्चा में मशगूल थे, क्या फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा, किसके पक्ष में जाए। सभी की सांसें थमी हुई थीं और कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं, इक्का दुक्का एक जगह बैठे हुए लोगों में आपस में चर्चा करते हुए फोटोज आप देखेंगे। और वहीं पर विवादित मंदिर और मस्जिद कई अरसे से जो चला आ रहा था, आज लोग काफ़ी खुश हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। और जिस दिन फैसला आना था उस दिन चप्पे चप्पे पर पुलिस फर्राटे भर रही थी, प्राइवेट और सरकारी वाहनों से लेकर जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे, स्कूलों को थाने के रूप में और कंट्रोल रूम बनाए गए थे, कंट्रोल रूम जहां पर कोई दिक्कत ना आए। लेकिन एक शांत व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी नवेंद्र सिंह सिरोही बराबर ग्रामीण अंचलों में तैनात पुलिस देखी गई, चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हुए। आप देख सकते हैं एक शांति व्यवस्था माहौल कायम रखते हुए कहीं कोई अव्यवस्था और अफवाह नहीं फैलने पाई सूझबूझ से, और काफ़ी लोगों ने सराहा है। कुछ बातचीत के अंश हैं आप देख सकते हैं, और फैसला आने से पहले काफ़ी लोगों की धड़कनें तेज थीं और टीवीयों के पास बैठे जब फैसला आना शुरू हुआ अपने निर्धारित समय पर तो लोग काफ़ी टीवी और रेडियो के पास बैठे देखे गए और एक झुंड के रूप में लोग उसका स्वागत कर रहे थे। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें कैद की हैं बातचीत के अंश के अनुसार, और काफ़ी लोग सराहा है और लोग स्वागत योग्य कोर्ट का फैसला मान रहे हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है, एक ऐतिहासिक फैसला रहा है। और हम देशवासी, भारत के नागरिक हैं और सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अदालत है, उसके फैसले के ऊपर तो कतई उंगली और टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। और जो भी फैसला आया स्वागत योग्य है, इससे कि आपस में हिंदू मुस्लिम आपस में दोनों का सौहार्द बना रहे, आपस में प्रेम पूर्ण रूप सब सही से रहें, और साथ साथ इस फैसले के लिए खुशी भी हुई कि तमाम दिनों से जो लोगों के दिलों में आपस में मनमुटाव रहता था, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो रही थीं एक वाद को लेकर के, वो वाद ख़त्म हो गया, इससे सबसे बड़ी खुशी हो रही है। और साथ साथ मैं मुस्लिम समाज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ तक हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं वहाँ तक सब लोग खुशी का ही इजहार कर रहे हैं कि हाँ फैसला आया, फैसला से सभी लोग लगभग खुश हैं और स्वागत भी करते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया स्वागत योग्य है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से कुछ कसक रह जाती है, तो ये है कि जब कभी कभी कोई ऊपर वाला ही फैसला करता है उसमें भी कुछ खमियां इंसान निकालने लगता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट है। मगर फिर भी जितना भी जो भी फैसला आया है वो 100% सही है, स्वागत योग्य है। हम देशवासी, देश हमारा, सुप्रीम कोर्ट हमारा, सरकार भी हमारी, प्रधानमंत्री भी हमारा, सब कुछ हमारा है और हम वहीं के निवासी हैं, नागरिक हैं। इस नाते से जो भी फैसला आया स्वागत योग्य और उसका हम सम्मान करते हैं।
अच्छा, इस सरकार को क्या कहेंगे कि इतने दिनों से लटका हुआ था और जो इतना ऐतिहासिक फैसला लोग बता रहे हैं, ये ठीक रहा फैसला? ना ना, फैसला ठीक रहा। यही फैसला अगर किसी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया होता तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी होती, उंगली उठाई जाती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ, इस नाते से कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। और साथ साथ एक चीज़ और है, इसमें सरकार का भी कोई श्रेय नहीं है। अभी कोई फैसला सरकार द्वारा जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यही फैसला सरकार के द्वारा लिया गया होता तो ये होता कि एक जो ज़्यादा संख्यक लोग हैं उनके पक्ष में मामला, वोट की राजनीति करने के लिए ये फैसला सरकार ने किया, इस नाते से मंदिर बनवाया। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, सरकार भी इस चीज़ का कोई लाभ नहीं ले सकती है कि हाँ हमने ये किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे चुनावी मुद्दे इसे इस मंदिर और मस्जिद को लेकर के काफ़ी लोग चुनावी मुद्दा बनाते थे, अब अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे पार्टियाँ जो हैं? अब मेन चीज़ है, ये मंदिर मस्जिद का तो मुद्दा ख़त्म हो गया, चाहिए तो विकास के नाम पर पार्टियाँ चुनाव लड़ें। और वही एक मेन मुद्दा होना चाहिए कि कहाँ पर किसको स्वास्थ्य के बारे में कहाँ पर क्या दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में, विकास के बारे में कहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है, कहाँ पे पुल की ज़रूरत है, कहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है। खासकर ग्रामीण स्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बदतर हैं, तो वहाँ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या ये भाजपा ये मुद्दा बना सकती है, इस जो ऐतिहासिक फैसला उसकी सरकार ने किया है उसकी सरकार? नहीं नहीं, उसमें सरकार का कोई श्रेय नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का श्रेय है। पूरी जनता जानती है, दुनिया जानती है और भारत के सब नागरिक जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप लोग डॉक्टर बहलीम हैं, ये हमारे गांधी क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे और काफ़ी समाजसेवी व्यक्ति हैं, नगरौली भोरा के निवासी, उनके बातचीत के अंश आप लोगों ने सुनते हैं। कोटेदार तेज प्रताप सिंह और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं, जगदीशपुर के निवासी हैं। हम बात करते हैं, ठाकुर साहब ये बताइए कि ये जो मस्जिद और मंदिर का विवादित ढांचा था और जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, ये जो कोर्ट ने फैसला किया है या भाजपा सरकार ने जो इसको कंधे पे मुद्दा बनाए हुए रखे थी, इस पर आप क्या कहेंगे? फैसला संतोषजनक है, इसे हम संतुष्ट हैं। हिंदू मुस्लिम एकता जो है ठीक रही है, मजबूत है। हम लोग वहाँ पर मंदिर बन जाएगा, मस्जिद कहीं पर बन जाएगी, ये बात सब खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम हाजी साहब शहजाद अली से बात करते हैं, ये मारू बहन के हैं और यहाँ मस्जिद के ये मैनेजर हैं। लेकिन हम बात करेंगे शहजाद अली हाजी साहब से कि ये जो ऐतिहासिक एक फैसला मस्जिद और मंदिर का विवादी था, इस पर क्या आप कहेंगे? जैसे साहब लोग करते हैं वैसे ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सहना। नहीं तो क्या फैसला गलत हुआ है सहने? नहीं नहीं, तो हमने कहा कहीं कि गलत हुआ है, जो कुछ साहबों के मनमा रहा फैसला हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा, ये फैसला स्वागत योग्य है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। इसको आप जैसे कि आपको 5 एकड़ जमीन मिल गई मस्जिद के उस पर, और मिल गई मैडम, ये मालूम नहीं कहाँ मिली, कहीं साहब कहाँ दें, हमारे प्रधान कहाँ दें, कहाँ वही दें, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ मेरे वही दें, ये तो मालूम नहीं है मैडम। ये मालूम हो सकता है 5 एकड़ जमीन दीन है, उसको मालूम हुआ है। अब जैसे जहाँ खुशी हो वहाँ दे दें, जहाँ राजी हो सब तहाँ ले। अच्छा अच्छा, तो इस फैसले से आप खुश हैं कि ना? हाँ खुश हैं, क्यों नहीं खुश है आप? हाँ खुश हैं। ये कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है क्या? हाँ स्वागत योग्य। हम बात करते हैं डॉक्टर दयाराम पांडे जी से, ये सुकेठा के ग्राम पंचायत के प्रधान के पिताजी हैं डॉक्टर दयाराम, मारू बहन में रहते हैं। बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये बताइए जो अयोध्या का ये कई वर्षों से विवादित फैसला चल रहा था और जो फैसला कोर्ट ने किया है या सरकार ने, इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये एक बहुत हजारों सालों से जो मैटर चल रहा था, देश बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता, और ये फैसले से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और देश हमारा मन चैन और विकास के आगे बढ़ेगा, और इन्हीं शब्दों के साथ हम फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। हम लोगों को कोई वो नहीं है, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उन लोगों को ज़मीन दे दी गई, अधिक दे दी गई, हम लोगों को कम दे दी गई, जैसे 2.77 एकड़ का लोग 14 बीघे मांगते हैं। अरे ये तो सब इधर उधर के लोग कहते हैं, अयोध्या के लोग भी बहुत संतुष्ट हैं। कल मैं नेट पे देख रहा था तो ये दिखाई दे रहा था, वहाँ मुस्लिम समुदाय भी जो है बहुत प्रसन्न है, और वो लोग भी कहते थे कि जो है
ये बीज के लड़ाने वाले काम करते थे। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और राम के राज्य में ही, राम के ही नगरी में रह करके हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हमको कोई दुख नहीं है, ये अलग पतलग लोगों की बातें हैं जिसमें कोई दम नहीं है, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैं शायद बाबू अहमद जी हैं और ये पूर्व जो है वर्तमान प्रधान सफी के पिताजी हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि बाबू जी ये बताइए, ये हमारे गांधी क्षेत्र के मारू भेड़ के निवासी हैं राजापुर कला के, लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है इसके बारे में, सरकार के विषय में और ये फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे मंदिर मस्जिद के? बहुत अच्छा फैसला हुआ है और प्रधानमंत्री जी मिलकर और सब मिलकर कोर्ट फैसला किए हैं तो बहुत अच्छा। इससे आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। अच्छा, जैसे कि जगह अभी मस्जिद की कहीं निश्चित नहीं है, हाँ। लेकिन 5 एकड़ जमीन देने के लिए कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी, ठीक है बात हुआ और बहुत अच्छे जो जमीन दिए हैं वो भी खुश हैं। अच्छा अच्छा, ये कोर्ट का जो फैसला आया है ठीक है? ठीक हुआ, अच्छा फैसला, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बहुत संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं। हम बात करते हैं इदरीस जी से, क्योंकि ये कपड़ा व्यवसायी हैं, लेकिन ये जो फैसला कई वर्षों से और कई सौ वर्षों से ये विवादित था मंदिर मस्जिद का, अयोध्या का मामला, इसमें जो कोर्ट ने और सरकार ने फैसला किया है इसका आप क्या कहेंगे? ये फैसला जो आया है तो जायज है, और फैसला ये सरकार और कोर्ट का शुक्रिया अदा करने के लायक है। ऐसा फैसला कभी भी नहीं आया था और ना हम लोग सोचते थे कि आने के योग्य में था। जैसा कि भाजपा सरकार को लोग कहते थे कि ये आहित करेगी और मुस्लिम का वो करेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम और हिंदू को भाईचारे का, इन्होंने एकता का सम्मान दिया है और ये जो और सभी लोगों को लेकर के चला है, सबका साथ सबका विकास इनका जो नारा है वो महत्वपूर्ण है। इसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल क्लियर, ये सरकार अच्छी है।